चलिए भाई स्टार्ट करें। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है द पॉलिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। Use the information in table 1.1 to answer the following questions. Pauling's electronegativity values देखो हमें ना data booklet में भी given है, सही है। इसके अलावा आपके पास electronegativity basically क्या होती है? It is a pulling power of any atom to pull the shed pair of electron towards itself. तो across the period electronegativities increase होती है क्योंकि atomic number increase हो रहा होता है। इसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यूज भी दी हुई है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज भी दी हुई है और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जीज भी दी हुई है। तो पहले तो आपसे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा है, डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर वन बैरियम, ठीक है। तो इट इज अ पुलिंग पावर ऑफ एनी एटम टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ। और यूजुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हम लोग केमिक जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो तब देख रहे होते हैं डायपोल्स चेक करने के लिए। तो इसकी डेफिनेशन याद कर लो, इट इज द pulling power of an atom to pull the electrons towards itself. क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, अगर कुछ पूछना हो ना तो माइक खोल के पूछ लेना। चैट आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, चैट में मैसेजेस लेट आ रहे हैं। अच्छा, ऑक्सीजन एंड सल्फर आर इन ग्रुप 16, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो 3.5 है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो 2.6 है। दोनों ग्रुप 16 में तो है लेकिन ऑक्सीजन पीरियड 2 में है और सल्फर पीरियड 3 में। और डाउन द ग्रुप हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं और नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे शील्डिंग जो है वो सल्फर के एटम में ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन का ऑल दो न्यूक्लियर चार्ज ऑफ ऑक्सीजन इज लेसर देन दैट ऑफ द सल्फर, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट जो है वो मेजर रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का रीजन ये है कि उसके आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स पे शील्डिंग कम है। ऑल दो सल्फर हैज अ ग्रेटर चार्ज बट इट हैज ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट। सो लेसर इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन का मतलब रिजल्टेंट न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो सल्फर में इसलिए कम है, न्यूक्लियर चार्ज तो ज्यादा है लेकिन शील्डिंग भी ज्यादा है। सर, पुलिंग पावर, जैफा पुलिंग पावर ऑफ एन एटम भी लिख सकते हैं और ऑब्वियसली एटम के अंदर न्यूक्लियस है उसकी पुलिंग पावर है। तो इफ यू वॉन्ट टू राइट इट इज अ पुलिंग पावर ऑफ एन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम तो वो भी सही है, क्योंकि हम तो बात ऐसे ही कर रहे हैं ना कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। तो अगर आप ये लिखते हो इट इज अ पुलिंग पावर ऑफ एनी एलिमेंट वो भी सही है। तो कुछ पूछ रहा था सर, इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेशन इजंट इन ए कोवेलेंट बॉन्ड नेसेसरी? नॉट नेसेसरी,
okay, if you do not want to write about covalent bond, the general definition of electronegativity would be enough. It is a pulling power of any element or an atom or the nucleus of an atom to pull the electron toward itself. Otherwise, if you write it down it like this, it is the pulling power of any element to pull the shared pair of electron toward itself, वो भी सही है. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर कोई एटम अलग से बैठा हुआ है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या कम है उसका कोई इफेक्ट नहीं है. इफेक्ट कब आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज का, जब वो बॉन्ड बनाता है, उसकी वजह से डायपोल्स आते हैं, बिकॉज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेट्स टुवर्ड्स दैट एटम व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है. तो अगर आप उस टर्म्स में भी लिख दोगे तो डेफिनेशन इज परफेक्ट. Sir, in the second part, I explained shielding effect. Like, I didn't write it. I was just explaining that it has more electronic shells, so it's more prone to less ionization energy. So, is it correct? Second part, ionization energy is ki baat nahi kar raha, electronegativity is ki baat kar raha. No, sir, I know, but like, in respect to that, I'm trying to like explain it. एक्सप्लेन करने में देखो आपके पास जो पॉइंट्स होने चाहिए ना, शील्डिंग इफेक्ट की अगर आपने बात की और न्यूक्लियर चार्ज की बात की, तो यू हैव कंप्लीटेड योर एक्सप्लेनेशन. अदरवाइज इफ यू आर गोइंग ऑन एक्सप्लेनिंग के शील्डिंग इफेक्ट क्यों ज्यादा है सल्फर में, बिकॉज देयर आर मोर नंबर ऑफ शेल्स, तो वो बात तो सही है, लेकिन इतना स्पेस नहीं होता हमारे पास कभी भी लिखने के लिए कि मैं शील्डिंग इफेक्ट को डिस्क्राइब करूँ कि वो क्यों इंक्रीज हो रहा है. He is not asking के shielding effect क्यों increase हो रहा है. आप अगर इससे ये लिख दे कि shielding effect increase हो रहा है for 2 mass, that would be enough. You have to analyze it yourself कि भाई हमें shielding effect को कब जाके describe करना है. यहाँ पे shielding effect को explain करने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्यों increase हो रहा है. Electronegativity पे question है for 2 marks, तो there are 2 factors which are affecting the electronegativity: nuclear charge and shielding effect. You do not have to go on explaining about nuclear charge. लेकिन अगर आपने nuclear charge की जगह ये लिख दिया sulfur has more number of protons but it has more number of shells so greater shielding effect, so wo bhi chal jayega. Okay, sahi hai. Matlab agar aap iski marking ki dekhoge to usne in terms of shells bhi explain kiya hua hai, aur if you have written in terms of shielding to wo bhi acceptable hai, to dono hi acceptable hai. ठीक है, लेकिन दोनों साथ दिखना कि आप शील्डिंग इफेक्ट लिखो कि क्यों ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल ज्यादा है, तो इतनी स्पेस आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो उससे आपको खुद समझ आना चाहिए कि दोनों एक साथ नहीं लिखने, तो एक चीज में कोई एक लिखना. ओके, लिथियम हाइड्राइड इज एन आयनिक कंपाउंड, ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ लिथियम हाइड्राइड. अब लिथियम इज अ मेटल, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, तो आयनिक बॉन्डिंग कैसे बनेगी? लिथियम इज अ ग्रुप 1 मेटल, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन. लिथियम फर्स्ट शेल में वी हैव 2 electrons, सेकंड शेल इट हैज ओनली 1 electron, इट विल लूज इट्स 1 electron फ्रॉम द आउटर शेल. तो इनर शेल जो है उसमें 1 electron रह जाएगा, इट विल गेट अ चार्ज ऑफ +1. हाइड्रोजन ऑन द अदर हैंड, इट ओनली हैज 1 electron इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हमने क्रॉस से बना दिया, उसने बोला हुआ तो नहीं था किसका डॉट से बनाना है किसका क्रॉस से बनाना है, पर डॉट एंड क्रॉस दिया हुआ था. तो लिथियम का आप दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रॉस से शो कर देना. लिथियम का 1 electron हाइड्रोजन के पास आ जाएगा, इट विल गेट -1 चार्ज. सिंपल, चार्जेस नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं बनाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे. ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज मावी मींस के इसका क्या कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है. न्यूक्लियर अट्रैक्शन इज न्यूक्लियर चार्ज ना, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन को ही कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज. Suggest the shape of a molecule H2S. तब H2S जैसे वाटर का होता है, इसी तरह सल्फर H2S का भी है. बॉन्डिंग अगर हम बनाएंगे तो सल्फर है 6 electron in its outermost shell group 16 का, तो it has 2 bonded pair and 2 lone pair. 2 bonded pair और 2 lone pair पे जो शेप बनता है वो नॉन लीनियर बैंड बनता है, और बैंड भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है बैंड लीनियर और एक होता है बैंड नॉन लीनियर. दिस इज बैंड नॉन लीनियर, पूरा लिखना. बैंड लीनियर क्या होता है, जिसमें वी हैव 3 bonded pair एंड 1 lone pair, या 2 bonded pair एंड 1 lone pair इज बैंड लीनियर. हमने याद किया था ना 20 21 22 30 31 40 50 60 L B B P P P bio. L इज फॉर लीनियर, देन बैंड लीनियर, बैंड नॉन लीनियर, ट्रिग्नल पिरामिडल, सॉरी ट्रिग्नल प्लानर, ट्रिग्नल पिरामिडल,
tetrahedral, trigonal bipyramidal, and octahedral. सही आगे बढ़े. सर हेलो जी सर, इसका बॉन्ड एंगल 104 होगा ना? बॉन्ड एंगल इसका 104.5 सर, वो 2.5 एक लोन पेयर में माइनस होता है ना जी. अगर आप एक लोन पेयर बढ़ाओगे, एक बॉन्डेड पेयर कम करोगे तो 2.5 डिग्री का फर्क आ जाता है, कम हो जाता है 2.5. SP3 होगी ना, ये SP3 में 5 माइनस कर दोगे ऐसा ही ना, 109.5 में से आप अगर अपने 5 माइनस कर दिया तो 104.5 होगा. हाँ एग्जैक्टली. ओके. Write an equation that represents the first ionization energy of hydrogen atom. अब first ionization energy का आपने equation कैसे लिखनी है? Definition भी याद रखना. It is energy required to remove one mole of electrons from one mole of gaseous atom to produce one mole of gaseous positive one ion. ठीक है? अगर इसमें आप state symbol लिखना भूल गए तो आपके marks चले जाएंगे. Gaseous होता है atom भी और ion भी. सही है? और second ionization energy की इक्वेशन अगर लिखनी हो तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से मैग्नीशियम है प्लस वन आयन, गैसियस आयन से मैग्नीशियम प्लस टू गैसियस आयन बनेगा बाय लूजिंग वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट कह रहा है एक्सप्लेन बाय देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन, एक्सप्लेन बाय देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन इन टेबल 1.1 फॉर द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन. साइन कुछ पूछ रहे हो? सॉरी सर, माइक पे लगा. हाँ भाई, हाइड्रोजन की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ही एक ही होता है ना, मतलब H पॉजिटिव आयन बनने के बाद देयर इज नो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट. H पॉजिटिव आयन हैज नो इलेक्ट्रॉन्स. गिव द फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ H2 पॉजिटिव आयन. अब H सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16. सल्फर 2 पॉजिटिव आयन बना रहा है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करके बना रहा है. सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4. दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो 3p4 नहीं लिखोगे, बल्कि इसकी जगह पे जो आउटर शेल है उससे आउटर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे ना, जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे, तो 3p2 हो जाएगा. दादी मेरे पास चल रहा है इसके बारे में. Carbon dioxide and sulfur dioxide are acidic gases. Write an equation for the reaction of sulfur dioxide with water. कोई भी non-metal oxide, acidic oxide water में डालते हो तो it dissolves in water to produce an acid. Sulfur dioxide को water में डालोगे तो H2SO3 बनता है, sulfurous acid. ठीक है, sulfuric 4 acid भी जिसको कहते हैं. अब अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती ये करते हैं कि H2SO4 लिख देते हैं. H2SO4 कब बनता है? जब सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो उससे जो एसिड बनता है वो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है H2SO4. बस ये याद रखना है. SO2 के साथ H2SO3 बनता है, इसको हम सल्फ्यूरस एसिड भी कहते हैं, लेकिन जो न्यू नेमिंग है उसके हिसाब से हम लोग इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, लेकिन इसमें जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो लिख देते हैं. जैसे सल्फ्यूरिक 6 एसिड है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इस पे प्लस 6 आ रही होती है, इस वजह से नहीं प्लस 6 नहीं आती. एक मिनट, सल्फर इसमें x है, ऑक्सीजन 3 माइनस 2 और सल्फाइड आयन इज माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 6 प्लस 4 आती है, और प्लस 6 उसमें आती है सल्फेट वाले. तो सल्फ्यूरस एसिड या सल्फ्यूरिक 4 एसिड भी इसको कहते हैं. सल्फर डाइऑक्साइड के साथ H2SO3 बनेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ H2SO4 बनेगा. और जब इसको एल्केली के साथ रिएक्ट करवाओगे तो फिर हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा, अब देखो SO3 बना है ना, तो जो एनाइन बनेगा नेगेटिव आइन, वो SO32 नेगेटिव आइन बनेगा, जिसको हम सल्फाइड आइन कहते हैं. दो आइन है, एक तो है सल्फेट SO42 नेगेटिव और एक है सल्फाइड SO32 नेगेटिव. तो जब एसिडिक गैस को आप एल्केली के साथ रिएक्ट करवाओगे तो प्रोडक्ट में सॉल्ट बनेगा.
अगर मैं पूरा एसिड लिखूंगा तो सॉल्ट एंड वाटर लिखूंगा, मतलब अगर मैं H2SO3 लिखूंगा इक्वेशन में, सॉल्ट भी लिखेंगे जो कि सोडियम सल्फाइड होगा Na2SO3 एंड वाटर, लेकिन अगर सिर्फ SO2 लिखोगे तो फिर वाटर नहीं लिखेंगे, सिर्फ सॉल्ट लिखेंगे Na2SO3, सही है। अच्छा अब लेकिन ये तब है जब आपके पास वो इसको क्या कहते हैं, आपके पास उसमें ओ लेवल में ये काम करता था कि अगर उसने लेफ्ट साइड पे एसिड नहीं लिखा हुआ है पूरा तो राइट साइड पे वाटर नहीं लिखता था, लेकिन अभी एक ऑब्वियस बात है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो सॉलिड फॉर्म में तो SO2 के साथ रिएक्ट करेगा नहीं, वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसका मतलब है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालोगे तो वाटर तो होगा ना, तो बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड पहले पानी में डिसॉल्व होके H2SO3 बनाएगा और उसके बाद हमारे पास सॉल्ट और वाटर दोनों बनेंगे। तो आपको ये इक्वेशन में मतलब दो इक्वेशन नहीं लिखनी है, आप डायरेक्टली फाइनल इक्वेशन लिखोगे लेकिन उसमें सॉल्ट और वाटर दोनों दिखाओगे, बस फिर उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस कर देना उसको, 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, समझ आई ये बात कि सल्फर डाइ आप H2SO3 है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो प्रोडक्ट में से सॉल्ट दिखाना सॉल्ट और वाटर आता है, लेकिन SO2 के साथ हम सिर्फ सॉल्ट दिखाते थे वो लेवल में, लेकिन अब जो है वो आपके बाद ही रियलाइज करनी है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी तो एक्वस फॉर्म में है ना, जब वो एक्वस फॉर्म में बनेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड पहले डिसॉल्व होके सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा, फिर वो रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर दोनों ही बनेंगे। क्लियर है? पार्ट 3 में 9 इलेक्ट्रॉन बनाए, कौन से सी का पार्ट 3 कह रहे हो, सल्फर है ना, 9 नहीं वो 6 लिखा हुआ है, ये तो नहीं कह रहे हो 2p6, डी में तो 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, तो 6 है, 2p6 है। क्लियर है ना? अच्छा नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी एग्जैक्टली वही करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक गैस है पानी में डिसॉल्व होके वो कार्बोनिक एसिड बनाएगा, लेकिन हमें कार्बोनिक एसिड नहीं दिखाना, हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट में सॉल्ट और वाटर दिखाना है। अब सॉल्ट कौन सा बनेगा, देखो अब कार्बन डाइऑक्साइड पहले पानी में डिसॉल्व होके बनाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, तो इसमें नेगेटिव आइन क्या है, कार्बोनेट आइन आ रहा है ना, जो सॉल्ट बनेगा वो मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा MgCO3 और साथ में बनेगा वाटर, ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, कुछ करने की जरूरत नहीं। आवीन सही है, समझ हो गया, सॉर्ट आउट हो गया सल्फर वाला, आगे बढ़े। अच्छा पार्ट ई में कह रहा है कंप्लीट द टेबल 1.2 बाय प्लेसिंग अ टिक टू शो व्हिच ऑफ द कंपाउंड हैव मॉलिक्यूल विद एन ओवरऑल डायपोल मोमेंट, ओवरऑल डायपोल मोमेंट बताना है आपको। बताओगे आंसर इसका, किसमें ओवरऑल डायपोल मोमेंट है किसमें नहीं है, CO2 में क्या ओवरऑल डायपोल मोमेंट होता है? No. नहीं होता, क्यों नहीं होता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है, लेकिन ऑक्सीजन और कार्बन में देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर आपको नहीं पता तो यू नो कि ऑक्सीजन फार्दर अवे होता है, मतलब क्रॉस द पीरियड आगे, और पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज भी देख सकते हो ऊपर जो टेबल में गिवन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा है 3.5 है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम है 2.5 है, तो देयर इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये लीनियर शेप है तो जो डायपोल मोमेंट है वो इक्वल एंड अपोजिट है, जिसकी वजह से वो कैंसिल आउट हो जाते हैं और नेट डायपोल मोमेंट क्या आता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जीरो। तो इसमें कोई ओवरऑल डायपोल नहीं बनेगा क्योंकि नेट डायपोल जीरो है, बाकी सारे डायपोल मोमेंट आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो इस पे टिक नहीं आएगा। क्रॉस तो लगाना नहीं, अगर जिसमें नहीं है तो उसको छोड़ दो ब्लैंक। व्हाट अबाउट SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, क्या सल्फर डाइऑक्साइड में डायपोल मोमेंट आएगा नेट डायपोल मोमेंट? यस यस, सब यस कह रहे हैं। देखो उसने जो शेप बनाया हुआ ना वो तो उसने सिर्फ बॉन्डिंग दिखाई हुई आपको, लेकिन अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड का शेप बनाओगे तो आपको पता है कि सल्फर के पास आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक लोन पेयर बच रहा है ना उसके पास। अब लोन पेयर बच रहा है तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये शेप लीनियर नहीं है, बैंड शेप है, दिस इज बैंड लीनियर। तो इसमें एक डायपोल सल्फर पे, अब सल्फर अभी हमने ऊपर ये डिस्कस भी किया है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऊपर जो टेबल था, और सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। डायपोल मोमेंट की वैल्यूज ये बनेगी सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ। अब क्या ये डायपोल मोमेंट इक्वल एंड अपोजिट है? ये शेप लीनियर नहीं है, अगर ये लीनियर होता है हॉरिजॉन्टल होते, जैसे फिजिक्स में आप रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस करते हो ना, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, बिल्कुल वैसा ही। इसमें दो एरोज एक दूसरे को कैंसिल आउट तो नहीं करेंगे ना, दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन दोनों के जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो ऐड अप हो जाएगा, तो नेट डायपोल मोमेंट जो है उसमें जीरो नहीं आएगा, नॉन जीरो कोई वैल्यू आएगी, मतलब इसमें डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। ओवरऑल डायपोल मोमेंट हम उसको कहते हैं जिसमें आपका कैंसिल आउट हो जाए सारे डायपोल्स। हर बॉन्ड का अपना एक डायपोल होता है, आपने ये रियलाइज करना है कि क्या वो बॉन्ड पोलर है या नहीं है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है तो उसमें दो बॉन्डेड पेयर्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन राइट वाला, कार्बन और ऑक्सीजन लेफ्ट वाला। फिर आपने ये रियलाइज करना है, सबसे पहले तो उसका शेप देखो, लीनियर शेप है तो शेप ऐसा बनेगा उसका। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जो डायपोल मोमेंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है उस पर्टिकुलर बॉन्ड का। तो राइट वाले बॉन्डेड पेयर का कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ डायपोल मोमेंट होगा, और लेफ्ट वाले का कार्बन से, और लेफ्ट वाले कोवेलेंट बॉन्ड का कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ लेफ्ट साइड पर। अब ये दोनों डायपोल की जो वैल्यूज होंगी वो ऑब्वियसली इक्वल होंगी क्योंकि सेम बॉन्डेड एटम्स है ना, और दोनों एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में लीनियर है ना, तो एक राइट साइड पर एक लेफ्ट साइड पर दोनों हॉरिजॉन्टल है, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जब कैंसिल आउट कर देंगे तो रिजल्टेंट नेट डायपोल मोमेंट, मतलब रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, जैसे फिजिक्स में फोर्सेस पढ़ते हो ना, ये 5 न्यूटन है हॉरिजॉन्टल और लेफ्ट पे भी हॉरिजॉन्टल 5 न्यूटन है, तो 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे डायपोल डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी? जीरो। जब नेट डायपोल मोमेंट जीरो आएगा, नेट डायपोल मोमेंट को ही हम ओवरऑल डायपोल मोमेंट कह रहे हैं। ओवरऑल डायपोल मोमेंट क्या है? जीरो है। जीरो मीन्स कि नहीं है। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड में क्यों ऐसा नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड में शेप लीनियर नहीं है, उसमें बैंड शेप है, तो ऑक्सीजन तो नीचे की तरफ है, तो डायपोल मोमेंट एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में भी नहीं, अपोजिट भी नहीं है। तो इनको रेजोल्यूशन करोगे तो दो वेक्टर्स अगर यूं लग रहे हैं तो आपके पास ये एक दूसरे को कैंसिल आउट तो नहीं करेंगे ना एग्जैक्टली, नीचे कोई वर्टिकल कॉम्पोनेंट मिलेगा आपको। सही है भाई हुज़ैफ़ा? Yes, sir. समझ आ गई ओवरऑल डायपोल मोमेंट क्या है? इसमें है डायपोल मोमेंट। व्हाट अबाउट CS2? CS2 का शेप लीनियर है। क्यों लीनियर है? क्योंकि कोई कार्बन पे बॉन्डेड पेयर्स तो हो गए दो, लेकिन कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं बचा ना, कार्बन का आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों शरीर पे लगा दिए। हम सेंट्रल एटम को देखेंगे जिससे बॉन्ड बन रहे हैं, ये शेप लीनियर है। अब अगेन डायपोल मोमेंट होंगे लेकिन कैंसिल आउट हो जाएंगे। लास्ट वाले का बता दो। यस यस यस, लेकिन ये भी तो लीनियर है, कार्बन पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव थे। यस, लीनियर तो है, लेकिन ऑक्सीजन पे जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका जो डायपोल मोमेंट होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी,
और कार्बन सल्फर के डायपोल मोमेंट की वैल्यू छोटी होगी, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, मतलब एक का 10 है तो दूसरे का 5 है, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन आई, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आएगा ना राइट साइड पे, तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ राइट साइड पे मिलेगा आपको, तो इसमें भी डायपोल मोमेंट होगा। क्लियर है? अच्छा ये आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के क्वेश्चन पहले ऊपर भी पुराने ईयर्स में भी मिलेंगे। आगे बढ़े? यस। चलो नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन में, एट 150 डिग्री सेल्सियस एंड 103 किलो पास्कल ऑल द कंपाउंड लिस्टेड इन टेबल 1.2 आर गैसेस। अच्छा टेबल 1.2 ही ऊपर वाला। You under these conditions 0.284 gram of one of the compound occupies a volume of 127 centimeter cube. Use this information to calculate the MR of the compound. State of matter का question है, ठीक है, और PV is equals to NRT लगाना है या नहीं लगाना ये देख लेते हैं। Use the information के MR of the compound, identify the compound for those given in table 1.2. Show your working. Okay. देखो लगाना तो PV = NRT पड़ेगा, और तो कुछ है नहीं हमारे पास, आइडियल गैस मानना पड़ेगा। अच्छा प्रेशर गिवन है ना 103 किलो पास्कल, इसको पास्कल में कन्वर्ट करेंगे। वॉल्यूम गिवन है 127 सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक्सपोनेंट माइनस 6। ये कन्वर्जन देखो याद रखना, अगर आपको मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना है तो एक्सपोनेंट 6 से मल्टीप्लाई करोगे, उल्टा जाओगे तो एक्सपोनेंट माइनस 6 हो जाएगा। बाकी डेसीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब की कन्वर्जन याद रखना, 1 meter cube = 1000 डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि इस इक्वेशन में हम वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में रखते हैं। सही है? तो 1 meter cube = एक्सपोनेंट 6 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 meter cube = 1000 डेसीमीटर क्यूब। इसके अलावा टेम्परेचर केल्विन में रखना होता है, तो सेल्सियस में अगर गिवन है तो +273 ऐड करके टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करोगे, एक ये बात याद रखना। और प्रेशर पास्कल्स में रखना होता है, तो किलो पास्कल से पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दोगे, ये तो सबको पता होगा। हाँ अगर प्रेशर एटमोसफेयर में हो तो उसको फिर हम लोग पास्कल में 101 exponent 3 से डिवाइड करेंगे। तो अगर 1 atmosphere = 101 exponent 3 pascals, ये कन्वर्जन जरूर याद रखना सारी। अच्छा प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, और नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम लोग रखेंगे मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास निकालना है और मास गिवन है 0.284 ग्राम, तो मास की वैल्यू यहाँ रखेंगे। आर की वैल्यू आपको टेबल में मिल जाएगी नीचे पेपर में, और टेम्परेचर जो है वो 150 + 273 केल्विन। जरा बता दो क्या आ रहा है आंसर, 76.3 एमआर आ रहा है। ठीक है, अब कौन सी गैस होगी वो, अब बाकी सारी गैसेस के एमआर निकाल के आप वो भी बता दो क्या आ रहा है, कौन सी गैस आ रही है। CS2 का MR आ रहा है 76.3। सही है भाई? चले आगे। अच्छा ग्रुप टू एलिमेंट मैग्नीशियम टू बेरियम आर ऑल सिल्वरी वाइट रिएक्टिव मेटल्स, ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो द बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप टू मेटल।
भाई कोई भी मेटल है उसकी जो बॉन्डिंग है वो मेटालिक बॉन्डिंग का, मेटालिक बॉन्डिंग बहुत बार ये रिसेंटली पूछ चुका है बनाने के लिए, तो वो तो खैर आप बचपन से ही बनाते आ रहे हो। मेटल पॉजिटिव आइंस की लेयर्स बना देना रेगुलरली। अच्छा ये भी गलत बना रहे हो तो यार थोड़ा सा ध्यान से करा करो, ये भी अक्सर मेटल पॉजिटिव आइन की लेयर बना के इलेक्ट्रॉन जो है ना थोड़ा से ऊपर नीचे बनाना, लाइन से नहीं बनाते, डीलोकलाइज्ड वे पे होते हैं ना। चाहे कोई भी मेटल हो आपने भाई यही बनाना है, कोई सिंबल विंबल लिखने की जरूरत नहीं है, लेबल जरूर कर देना मेटल पॉजिटिव आइंस एंड दिस इज सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स। आगे कह रहे हैं एक्सप्लेन बाय मैग्नीशियम। अच्छा अक्सर क्वेश्चन में वो ये भी कहता है कि डिस्क्राइब करो मेटालिक बॉन्डिंग को, तो उसमें आप क्या लिखोगे, मेटालिक लैटिस हैव रेगुलरली अरेंज्ड लेयर्स ऑफ मेटल पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट कह रहे हैं एक्सप्लेन बाय मैग्नीशियम हैज अ हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन सोडियम बिकॉज मैग्नीशियम के आउटर शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो इट कंट्रीब्यूट्स मोर इलेक्ट्रॉन्स इन द सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और मैग्नीशियम हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स इन सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद कोल्ड वाटर। अगेन ग्रुप टू के हैंडआउट्स के सारे रिएक्शन याद रखने हैं, कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो एल्कली बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर और साथ में हाइड्रोजन गैस, और अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करवाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। बैलेंस कर देना इक्वेजन को 2 मोल ऑफ वाटर। ये इक्वेजन देखो याद रखो, बैलेंस्ड इक्वेजन ऑलरेडी तो बेटर है, अदरवाइज मुश्किल रहेगी। क्लास है ना हो गई रिकॉर्डिंग देखो बैठ जाओ नहीं तो यहीं पे पढ़ लो। जी आयशा बच्चे क्या कह रहे बोलो। सर फॉर द सेकंड पार्ट कैन यू राइट दैट मैग्नीशियम गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स पर एटम व्हाइल सोडियम गिव्स 1। हाँ एक ही वही मतलब है ना बात। ओके सर अच्छा आगे चलें पार्ट सी। आइडेंटिफाई अ सिंगल एजेंट दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश सेपरेट सैंपल ऑफ डाइल्यूट मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड डाइल्यूट बेरियम नाइट्रेट। जी कौन बताएगा। सिल्वर क्लोराइड व्हाइट पीपीटी बनाता है, सिल्वर ब्रोमाइड ग्रीन पीपीटी बनाता है, सिल्वर आयोडाइड येलो पीपीटी बनाता है। यहाँ पे कौन सा हैलाइड आयन है, कोई भी नहीं है। देखो कैटाइन अलग अलग है, एनाइन तो एक ही है, तो एनाइन से तो टेस्ट नहीं हो सकता, कैटाइन से टेस्ट करें, कैटाइन पे टेस्ट करेंगे ना। एक तो मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके इनके अलग अलग सॉल्ट बना सकता हूँ, अगर मैं इसमें दोनों सॉल्युबल सॉल्ट है और आप इसमें अगर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो H2SO4 तो डिस्प्लेसमेंट होगी। मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्युबल सॉल्ट है लेकिन बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल सॉल्ट है, क्योंकि हमने ग्रुप टू में ट्रेंड पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप टू मेटल सल्फेट सॉल्ट डिक्रीजेस। फ्रॉम जो सबसे ऊपर वाला सल्फेट होता है ग्रुप टू का उसको हम सॉल्युबल लेते हैं और जो सबसे नीचे वाला है बेरियम सल्फेट उसको हम इनसॉल्युबल लेते हैं। इसी तरह मेटल हाइड्रोक्साइड्स में उल्टा होता है, अगर मैं कहूँ कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो उसको आप इनसॉल्युबल लोगे क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप टू मेटल हाइड्रोक्साइड इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, बेरियम हाइड्रोक्साइड को आप सॉल्युबल लोगे। तो अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ब्लू में मैं लिख रहा हूँ ना वो सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के टेस्ट किया है, एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे
तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका इनसॉल्युबल है. इनसॉल्युबल का मतलब व्हाइट पीपीटी दिखेगा आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, लेकिन बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ सॉल्युबल कलरलेस सॉल्यूशन दिखेगा. तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का, लेकिन अगर आप इसमें जैसे मैंने पहले लिखा था, अगर सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हो H2SO4, तो फिर आपके पास बेरियम मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा जो कि सॉल्युबल है एक्वस कलरलेस सॉल्यूशन, और बेरियम सल्फेट वाले सॉल्ट के साथ इनसॉल्युबल व्हाइट पीपीटी बनेंगे. समझ आ गई बात? तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हो आप, सल्फ्यूरिक एसिड डाल के सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के. क्योंकि सल्फेट आयन का टेस्ट अगर आपको याद हो तो आपने उसमें नाइट्रेट, आपने उसमें कोई बेरियम आयन का टेस्ट में आपने क्या डाला था, सल्फेट आयन डाले थे, बेरियम सल्फेट बनता है. ये कौन से टेस्ट पर कठिनाई देना है जो लैब में कर रहे होते हो ना? क्लियर है? ये दोबारा समझाऊं? यस सर. दोबारा समझाऊं या आगे बढ़े? जवाब दे दो सारे जल्दी से, ताकि अगर नहीं समझ आया तो दोबारा कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज एल्सा अमोनिया के एक्वस अमोनिया के साथ भी कर सकते हो, वही सेम रिजल्ट आएगा बेरियम आयन के साथ और मैग्नीशियम आयन के साथ. लेकिन थ्योरी में हमने हाइड्रोक्साइड का याद किया हुआ है ना ग्रुप टू का, इसलिए क्लिक सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड करता है कि हमें पता है कि ग्रुप टू मेटल हाइड्रोक्साइड में से अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है तो वो इनसॉल्युबल है, बेरियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है तो वो सॉल्युबल है. यहाँ पे सल्फेट का ट्रेंड याद किया हुआ है, मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्युबल है तो बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल है, उल्टा ट्रेंड चलता है इनका. मैग्नीशियम ऊपर है बेरियम नीचे, तो मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्युबल, बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल, और हाइड्रोक्साइड का उल्टा ट्रेंड होता है, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल, बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल. चलो अच्छा जी, आगे कह रहे हैं डिस्क्राइब व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन स्ट्रॉन्शियम आयोडाइड SR इज स्ट्रॉन्शियम ग्रुप टू मेटल है रिएक्ट विद कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में हमें पता है कि एक तो वो जब अगर हैलाइड आयन के साथ उसको रिएक्ट करवाते हैं तो वो ऐसा एसिड भी काम करता है, और फिर वो ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करता है. जैसे अगर आपको याद हो हमने सोडियम क्लोराइड के साथ जब ये रिएक्शन देखा था तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है इसके साथ, और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है. ये रिएक्शन यहीं पे खत्म हो जाता है, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड क्लोराइड आयन जो बना है ना HCl में उसको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता. सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट अ इनफ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइज द क्लोराइड आयन प्रेजेंट. लेकिन यही रिएक्शन हमने ये ग्रुप 17 में पढ़े हैं रिएक्शन. अगर हमारे पास सोडियम ब्रोमाइड होता है तो उसमें फिर पहले तो इक्वेशन यही बनती है कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनेगा. लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकता. हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड ब्रोमाइड आयन को फर्दर ऑक्सीडाइज करवा देता है टू प्रोड्यूस ब्रोमीन. याद आ गया? इसी तरह अभी उसने आयोडाइड आयन को भी वो फर्दर ऑक्सीडाइज करवाएगा. जब ब्रोमाइड को करवा रहा है तो आयोडाइड को तो करवाएगा, और एस्टेटिन होगा नीचे उसको भी करवाएगा. इसने यहाँ पे सोडियम लेने के बजाय स्ट्रॉन्शियम ले लिया, बात तो वही है ना, मेटल ही लिया हुआ. समझ आ रही है? याद करना था ये ग्रुप 17 का रिएक्शन. खोल के दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना दोबारा से, लास्ट पेपर में भी शायद हमने ये देखा था. नो सर. तो इसमें हमारे पास हमें पता है कि अच्छा इक्वेशन नहीं लिखनी है, सिर्फ डिस्क्राइब करना है कि ऑब्जर्व क्या करोगे. तो जो आयोडाइड आयन है सल्फ्यूरिक एसिड उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करवाएगा,
तो वो आयोडीन बनाएगा। ये और आयोडीन का कलर आपको पता होना चाहिए। आयोडीन जो है वो जब गैसेस, देखो आयोडीन, अब ये तो उसने कहीं नहीं लिखा हुआ है कि क्या रिएक्शन एक्वस हो रहा है, क्या हो रहा है स्ट्रोंचियम, बल्कि लिखा हुआ है स्ट्रोंचियम आयोडाइड एक्वस फॉर्म में। तो हमारे पास जो आयोडाइड आयन से आयोडीन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, तो कुछ आयोडाइड आयन जो है वो ऑक्सीडाइज होके गैस बना लेंगे जो सॉल्यूशन से बाहर आ जाता है। जैसे ब्रोमाइड आयन जो ऑक्सीडाइज होके ब्रोमीन गैस बनाते हैं, ब्राउन फ्यूम दिखते हैं, तो आयोडाइड आयन के जो हमें फ्यूम दिखते हैं वो पर्पल कलर के दिखते हैं, पर्पल वेपर्स दिखेंगे, ठीक है। और साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी बनती है, H2S गैस, और H2S गैस जब बनती है तो उसका स्मेल होती है ना, वो बैड एग स्मेल होती है, उसको हम बैड एग स्मेल या रॉटन स्मेल भी कहते हैं। देखो ग्रुप 17 में ये ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है, अक्सर गलत ही लिख रहे होते हो, उनको थोड़ा सा भाई देख लेना इसको, हैंड आउट को जरा सही से। सर प्रेसिपिटेट बनेगा? हाँ वाइट पीपीटी बनता है इसमें। सर इन ऑर्गेनिक की कितनी वो होती है वेटेज? ऑर्गेनिक की कितनी वेटेज होती है ये पूछ रहे हो सर? इनऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक की समझ लो, देखो 30% इनऑर्गेनिक समझ लो, 30% ऑर्गेनिक समझ लो, ठीक है, और बल्कि ऑर्गेनिक थोड़ा सा और ज्यादा ही समझ लो, 40 के करीब समझ लो। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ज्यादा है, पेपर ज्यादा बनाता है, लेकिन रीसेंट ट्रेंड में देखो तो इनऑर्गेनिक भी ज्यादा दे रहा है, मतलब मैं रीसेंट ट्रेंड अगर देखूँ तो 40% इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आ रहा है और आपका 20% सिर्फ फिजिकल दे रहा है। लेकिन ये वेटेज आपका कोई उसने सिलेबस में नहीं कहा हुआ कि ऐसा ही है, वो कभी भी उसको आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आप 2015 से पीछे चले जाओ तो फिजिकल ज्यादा देता था, अब जो है वो इनऑर्गेनिक ज्यादा दे रहा है, इनऑर्गेनिक के दो बड़े बड़े क्वेश्चन बना देता है अक्सर, तो वो फिक्स नहीं है कुछ भी। अगर तुम इस चक्कर में पढ़ के आप तैयारी करोगे तो गड़बड़ी रहेगी, लेकिन अभी फिलहाल अभी मैं कहूंगा कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो है ना तुम्हारा पक्का प्रिपेयर होना चाहिए। Sir, can you write yellow solid? Yellow solid किस चीज का? H2 किस चीज का yellow solid? H2O H2S का yellow solid नहीं, white ही color का होता है वो, अगर lab में बनाओगे ना तो looks like white। मैं वही हैंडआउट दिखाना चाह रहा था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना येलो सॉलिड, इसी में कहीं था ये रहा। ओह या दैट्स सल्फर। तो हाँ इसको H2S का येलो लिख दो, लेकिन वाइट भी अक्सर लिखा हुआ होता है, तो दोनों ही लिखे हुए होते हैं, तो दोनों ही लिख, तो भी लिख दो। आयोडीन का याद रखना पेपर है, ठीक है। अच्छा इसका H2S का वाइट अब बनेंगे तो दोनों ना, तो आप वाइट लिख दो और येलो आप लिखोगे तो सल्फर का लिखोगे, लेकिन हर रिएक्शन में ना सल्फर बन नहीं रहे होता, H2S बन रहा होता है, H2S तो बन ही रहा होता है, लेकिन अगर आप इसमें तो कुछ नहीं बोला ना कि उसने एसिड बन रहा है सल्फर या नहीं बन रहा, तो आप लिख सकते हो येलो सॉलिड भी लिख सकते हो सल्फर, H2S का वाइट होता है, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड के मतलब चारों में से कुछ भी लिख सकते हो आप, चारों भी लिख सकते हो, आयोडीन का पर्पल वेपर, हाइड्रोजन आयोडाइड के वाइट फ्यूम्स, येलो सॉलिड या वाइट पीपीटी, सब चल जाएगा। चले आगे बढ़े, H2S की हाँ हैंडआउट में शायद स्मेल के
जिक्र नहीं हुआ हुआ तो ये बैड एग स्मेल होती है, रॉटेन स्मेल होती है, ये लिख लेना अपने पास। डी वन का आंसर मैं लिख देता हूँ मावी। देखो डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन नहीं करना, लेकिन ना हम लोग डिस्क्राइब में तो आप सिर्फ ये लिख सकते हो कि पर्पल गैस है। पर्पल गैस किसकी है वो तब लिखोगे जब एक्सप्लेन करने का कहेगा, लेकिन अभी फिलहाल हम लिख देते हैं पर्पल गैस सी, जो कि हमारे आयोडीन के हैं वेपर्स, वाइट फ्यूम्स जो कि हमारे हाइड्रोजन आयोडाइड के हैं, सही है, रॉटेन बैड एग स्मेल जो के H2S गैस की, इतना काफी है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कंपाउंड एक्स एंड एनहाइड्रस ग्रुप टू ब्रोमाइड इज डिसॉल्व इन वाटर एंड टाइट्रेटेड अगेंस्ट एक्वा सिल्वर नाइट्रेट। अब आ गया सिल्वर नाइट्रेट वाला टेस्ट, ब्रोमाइड हैलाइडाइन वाला। A solution containing 0.25 gram of X requires 33.65 centimeter cube of 0.05 mole per decimeter cube of silver nitrate. Concentration of volume दी हुई है silver nitrate की, तो मुझे पता है moles तो निकालने पड़ेंगे इसके। For complete reaction identify X. अब X कौन सा bromide है वो आपको बताना है। सही है? है लेकिन ग्रुप टू का ही। अब ग्रुप टू में मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, कैल्शियम ब्रोमाइड है, स्ट्रॉन्शियम ब्रोमाइड है, बेरियम ब्रोमाइड है, वो आपको बता। देखो अगर हमारे पास कोई ग्रुप टू का ब्रोमाइड है उसको अब चाहे कोई भी ग्रुप, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे मैग्नीशियम से समझा देता हूँ, मैग्नीशियम ब्रोमाइड है तो उसको अगर हम रिएक्ट करवाएंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो प्रोडक्ट में सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा, उसके पीपीटी आएंगे और साथ में मैग्नीशियम नाइट्रेट बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा ना, बैलेंस करने के लिए आपको सिल्वर नाइट्रेट नाइट्रेट टू हुआ है या तो डबल हो गया नाइट्रेट तो मैं इसके साथ हाफ लगा दूं तो एक ही गो में बैलेंस हो जाएगा। तब अगर आप कह रहे हो कि नहीं हम बैलेंसिंग ऐसे करेंगे कि मैग्नीशियम नाइट्रेट टू है तो यहाँ पे टू लगाओ, यहाँ टू लगाओ, फिर यहाँ टू लगाओ, तो इससे बेटर नहीं है कि मैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ ही हाफ लगा दूं। सही, अब चाहे कोई भी ग्रुप टू ब्रोमाइड हो उसकी बैलेंसिंग यही हो, तो अब मैं मैग्नीशियम हटा के उसकी जगह जो है वो कुछ अननोन कंपाउंड लिख देता हूँ, जैसे एक्स लिख देता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैग्नीशियम है या आपका बेरियम है या जो भी कोई भी ग्रुप टू का आइटम है। अच्छा अब मुझे ये तो पता लग गया है ना मोलर रेशियो के, वन मोल ऑफ जो भी कंपाउंड है उसके साथ हाफ मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट हो रहा है। अभी सिल्वर नाइट्रेट का कितना मोल लगा है, कंसेंट्रेशन गिवन है विच इज 0.05 और वॉल्यूम है 33.65 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो मोल्स आ जाएंगे सिल्वर नाइट्रेट के जो कि रिएक्ट हुए इस मेटल कंपाउंड एक्स के साथ। अब देखो एक्स उसने पूरे कंपाउंड को बोला हुआ है, मैंने सिर्फ ग्रुप टू के मेटल को एक्स कह दिया है, तो जरा ख्याल रखना एक्स का मतलब ग्रुप टू का मेटल नहीं है, पूरे कंपाउंड की बात कर रहे हैं एक्स। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं एक्स को हटा ही देता हूँ, उसकी जगह कुछ और लिख देते हैं, जैसे वाई लिख देते हैं इसकी जगह, एक्स ये पूरा है लेकिन x जो भी है y जो भी है मुझे पता है उस पर प्लस टू चार्ज है तो फॉर्मूला वाई बी आर टू ही बनेगा। अब मुझे जरा मोल्स बता दो कितने आ रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट के मोल्स बता दो कितने आ रहे हैं। देखो वन मोल ऑफ कंपाउंड के साथ हाफ मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है, अभी मोल्स आप बता रहे हो 1.68 एक्सपोनेंट -3 मोल के साथ
कितने मोल ऑफ कंपाउंड रिएक्ट करेंगे। ठीक है, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x into half is equals to 1 into 1.68 exponent minus 3, और this value would be 1.68 exponent minus 3, और x into half, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 आ जाके, ये कितना बन रहा है, अलग अलग आंसर बता रहे हो सब। अच्छा ये जो है ना हमारे पास मोल्स आ गए किसके, कंपाउंड एक्स के, इसका मास गिवन है। ठीक है, तो इसके मास से और इसके मोल से मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। अबे क्या बना, गड़बड़ लग रही है इसमें, रुको जरा एक मिनट। कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम 33.65 डिवाइड बाय 1000। ये बैलेंस पूरी नहीं हुई, जरा एक मिनट रुको। सर यू बाउंस्ड इट रॉन्ग, सॉरी। 2 मोल ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड और बैलेंस जो है ना, ये 2 लिखा तो था नाइट्रेट के साथ, ये बिट कैसे है? 2 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। हाँ देखो, बैलेंसिंग हमने ना थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, तो हाफ लगाया तो था लेकिन वो बैलेंस पूरा नहीं किया था। हाफ जो है वो आपका डाई बी आर 2 के साथ आना था। अभी देखो बैलेंस था इक्वेशन, तो यहाँ पे 2 मोल आना था, तो 1 मोल लिख दिया था, हाफ मोल लिखा हुआ था ना, और 2 मोल आना था। x into 2 and 1.6 से रहता है। अब बताओ क्या आ रहा है आंसर? नहीं यार, देखो बैलेंसिंग हमारी ना प्रॉपर नहीं थी, तो बैलेंसिंग गलत हुई थी। आ रहा है 8.4 एक्सपोनेंट माइनस 3। अब ये जो मोल्स आए ना, ये मोल्स हैं वाई बी आर 2 के, इसके इतने मोल्स का मास हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमने मोल्स निकाले हैं, उन्होंने मास दी, अब नंबर ऑफ मोल मास ओवर एम आर, मोल्स आए 8.4 एक्सपोनेंट माइनस 3, मास गिवन है 0.25, और एम आर इसका निकालना है। अब निकालो एम आर, अब बताओ कितना आ रहा है। 297.2
297.2। अच्छा अब ये जो एम आर आया है इसमें ये वाई का, अब इसमें देखो दो बी आर टू तो है ही, अब मेटल एक्स कौन सा है वो हमें आइडेंटिफाई करना है, तो मेटल एक्स का हम ए आर निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। अब मेटल एक्स जो भी है उसका ए आर, मतलब मेटल एक्स नहीं है वो पूरी चीज एक्स है, हमने तो उसको वाई बोला हुआ है ना, ए आर उसका ब्रोमीन इज 2 × 80, ब्रोमीन इज 79.9, ए आर इज इक्वल टू 297.2। तो यहां से ए आर निकाल के एटम एलिमेंट आइडेंटिफाई करते हैं। सर आई थिंक यू डिड सम क्या कह रहे हो ऐशा? Sir, according to my equation, I'm getting moles of X as 0.0500. 0.0500 से number of moles reject करो। Okay. आपकी balancing multiple अलग है balancing में? No, sir, it's correct. Reject कर लो। 137.4 वो आ रहा है, sorry. आपका ए आर आ रहा है, तो एटम कौन सा हुआ इसमें, जब पीरियोडिक टेबल में देखो कि बेरियम का होता है 137, तो दिस शुड बी बेरियम ब्रोमाइड, 297 आ रहा है आयशा, 29.7 नहीं आ रहा। या नो सर, अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन आई टोल्ड यू सर 29.7 ही आ रहा है मेरा भी। मैंने कही सिग्निफिकेंट फिगर, आई थिंक जल्दी में गलत लिख दिया है। ये जो आपने बताया था 0.8.4 एक्सपोनेंट माइनस 3 था ये, या कुछ और की वैल्यू? It was minus 4 सर। So you did it correctly, but you just wrote minus 3 in 8.4. You were supposed to write minus 4. आ रही है सबके पास? अच्छा देखो यहाँ पे ना मैंने वो एक डेसिमल प्लेस गलत लिख दिया था, वो 8.41 एक्सपोनेंट माइनस 3 नहीं था, वो था 8.41 एक्सपोनेंट माइनस 4 था, ठीक है, तरह सही है लिख गलत दिया था, तो ये इससे हमारे पास जो मास आ रहा था 297.2 आया, सही कर लो जरा जल्दी से। चलो भाई क्वेश्चन 3, एल्कीन्स अंडरगो एन एडिशन रिएक्शन विद 1:1 मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म एल्डिहाइड, ओके, डिफाइन एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, बस डबल बॉन्ड खत्म होता है और दो आपका चीजें ऐड हो जाती हैं, लेकिन कुछ और निकलता नहीं है, प्योर अदर प्रोडक्ट नहीं बनता, एक ही प्रोडक्ट बनता है, रिएक्शन in which reactant all to react to form only one
प्रोडक्ट. एल्डिहाइड्स ए एंड बी आर स्ट्रक्चर आइसोमर्स. अच्छा ये रिएक्शन हमने नहीं पढ़ा हुआ कहीं तक, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस एल्कीन के साथ रिएक्ट करवाए तो एल्डिहाइड बनता है, ये हमने कभी नहीं पढ़ा है ना हमें पढ़ना है सिलेबस के हिसाब से, इसने खुद दिया हुआ है तो हम जो कह रहे हैं वो मानेंगे हम. तो प्रोपीन से जो हमारा एल्डिहाइड बना है वो अगर गौर से देखो तो चार कार्बन वाला एल्डिहाइड बन गया ये प्रोपानल. एल्डिहाइड ए एंड बी आर स्ट्रक्चर आइसोमर्स. ठीक है जी, 1 2 3 4. State the type of structure isomerism shown by A and B. Rayan, थोड़ा time दे दोगे? जाना तो नहीं है? 20 minutes. Oh, thank you. Aldehyde A and B are structure isomers. State the type of structure isomerism shown by A and B. बताओ जल्दी से कौन सी होगी? देखो functional group की position different है ना? आपका एल्डिहाइड पहले ए में जो है वो थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है और आपका इसी तरह बी में जो है वो सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, तो ये आपका पोजिशनल आइसोमर हो गया. नेम ए, तो ए चार कार्बन एटम वाला एल्डिहाइड है, दैट इज ब्यूटेनल. So in the type of structural isomer, can it be chain isomer? नहीं, chain में देखो, अगर chain isomer होता तो उसमें CH3 या C2H5 आ रहा होता, carbon अलग होता. वो aldehyde में carbon तो है लेकिन वो एक पूरा functional group है, उसको ऐसा functional group treat करोगे जैसे OH को ऐसा functional group treat करते हो ना. अगर OH आपका first carbon पे लगा हुआ है तो propane 1 और अगर सेकंड कार्बन पे लगा तो प्रोपेन 2 होता है. एल्डिहाइड को भी ऐसा पूरा फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करोगे उसके कार्बन को भी. ओके सर. सर थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर कर देंगे, एक चीज चेक करनी थी. कितना ऊपर? क्वेश्चन 2 पे. यस सर, उसका लास्ट पार्ट वो डी वाला. क्वेश्चन 2 देखना है, क्वेश्चन 3 देखना है? क्वेश्चन 3 तो ऊपर से स्टार्ट, क्वेश्चन 2 देखना होगा ना. Yes, sir.
सॉरी यार जूम लॉग आउट हो गया था आपको देख कॉल पे ही हो सब अभी आगे बढ़े यस सर अच्छा आगे कह रहे थे कंप्लीट रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद अ 1:1 मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस ओके 1:1 मिक्सचर मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में है ये प्रोड्यूसेस ए एंड बी एज द ओनली प्रोडक्ट द प्रोडक्ट मिक्सचर कंटेन 96% ए एंड 4% बी Calculate the mass of A produced in the reaction when 5 × 3 kg of propene is used. Oh my God. अच्छा जी करोगे खुद से सॉल्व बोल से इक्वेशन मैं ले लेता हूँ नीचे इसकी ये प्रोडक्ट बने हमारे पास अच्छा इसमें कह रहा है 1:1 मिक्सर का क्या मतलब है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इक्वेशन गिवन नहीं है इक्वेशन आपको खुद ही डेवलप करनी है इसमें तो हमारे पास एल्डिहाइड बन रहा है ए जो बन रहा है वो 96% बन रहा है तो आपने पहले तो थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल लो उसकी नॉर्मल अगर हमारे पास क्या कहते हैं 5000 kg बन रहा है और इसमें MR देख लेते हैं इनके कार्बन मोनोऑक्साइड 12 + 16 = 20 C3H6 प्रोपीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ रहा है व्हिच इज 42 ग्राम एमआर इज 42 ग्राम अच्छा जो एल्डिहाइड ए बन रहा है उसका ब्यूटेनल ब्यूटेनल का फार्मूला है इट इज C3H7CH इसका एमआर बन रहा है 3 × 12 + 7 + 12 + 16 + 1 इट इज 72 ग्राम देखो 1:1 का रेशियो है ना अब इक्वेशन इस तरह से नहीं बनाए भी स्ट्रक्चर बने हुए लेकिन प्रोपीन का 1 मोल ब्यूटेनल का 1 मोल ही बना रहा है सही है तो हमें 42 ग्राम ऑफ प्रोटीन से 72 ग्राम ऑफ ब्यूटेनल या जो कंपाउंड ए है वो मिल सकता है 5000 ग्राम से मतलब 5000 किलोग्राम से 5 × 3 = 5000 केजी ना 5000 केजी इसको चाहो तो ग्राम में कन्वर्ट कर दो नहीं करना चाहो ना करो केजी में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा उससे कितना ए थ्योरेटिकली बनेगा दैट इज थ्योरेटिकल वैल्यू आ रहा है 5000 × 72 डिवाइडेड बाय 42 ये आंसर आ रहा है दिस इज 8.57 × 3 अब इसका जो यील्ड है वो 96% ये बन रहा है टोटल 100% तो ये नहीं बन रहा तो इसका मैं 96% निकाल लेता हूँ ये आ जाएगी 8228
8229 kg लिख देते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। क्योंकि वो कह रहा था कि सिर्फ 96% जो है वो ए बन रहा है, बाकी का 4% जो है वो आपका बी बनेगा। 5000 से अगर मैं सारा का सारा ए बना लूं तो वो बनना चाहिए 8.57 एक्सपोनेंशियली, लेकिन वो टोटल नहीं बन रहा, वो सिर्फ 96% बन रहा है। या तो आप परसेंटेज, अगर टेक्निकली वैसे तो परसेंटेज मैं बोलूँ कि 5000 प्रोटीन जो है वो 5000 का 5000 प्रोटीन एल्डिहाइड ए नहीं बना रहा, वो एल्डिहाइड बी भी बना रहा है। तो कितना प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, सिर्फ 96% ऑफ प्रोटीन कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बेशक 5000 का 96% लेके आगे सॉल्व कर दो। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अच्छा, इसमें कह रहा है ए एंड बी शो रिएक्शंस टिपिकल ऑफ एलिफैटिक एल्डिहाइड। अच्छा, ये वर्ड अक्सर यहाँ पे दिख रहा है, एलिफैटिक जो है ना स्ट्रेट चेन एल्डिहाइड को कहते हैं। देखो, दो तरह के कंपाउंड हमारे पास होते हैं, एक होता है एरोमेटिक, जो आप A2 केमिस्ट्री में पढ़ते हो, एरोमेटिक में बेंजीन रिंग होते हैं, तो वो तो आपको कोई नाम नहीं लेगा इसका। एलिफैटिक होता है स्ट्रेट चेन। ए अंडरगोज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड एंड पोटेशियम साइनाइड। एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट करते हैं तो उसका रिएक्शन मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, फॉर्मिंग अ कंपाउंड सी जो हाइड्रोक्सी नाइट्राइल्स बनते हैं हमारे पास। कंप्लीट द डायग्राम टू शो द मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन इंक्लूडिंग चार्जेस डायपोल लोन पेयर वगैरह। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है कि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, साइनाइड आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, इसमें कार्बन पे लोन पेयर होता है जो कि अटैक करता है पार्शियल पॉजिटिव कार्बन को, और कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन और अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है, तो बीच में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सब कुछ वैसे ही रखो, बस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज दिया हो C3H7, और साइनाइड जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है जबरदस्ती, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है इस पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जो कार्बन अपना दे रहा है, और फिर क्या होगा कि H पॉजिटिव आइन जो सोल्यूशन में है वो O नेगेटिव आइन उनको अटैक करके अपने साथ लगा के OH बना देगा। सही है। अच्छा, ये वाला जो स्टेप है ना इंटरमीडिएट वाला, ये दो तरीकों से बना सकते हैं। अगर आपने हाइड्रोजन साइनाइड बनाया है, सिर्फ पूरा मॉलिक्यूल बनाया है, तो वो उसको भी अटैक कर देता है। इसमें पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होता है, साइनाइड पार्शियल नेगेटिव होता है, तो जो ब्लू में बनाया आप ऑल्टरनेट ये भी बना सकते हो, या सिर्फ डायरेक्ट एक पॉजिटिव आयन बना दो वो भी चल जाता है, लेकिन एक वक्त में तो एक बनाओगे ऑफकोर्स। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट इज टेबल 3.1 शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग बी। कंप्लीट टेबल 3.1, सॉल्यूशन टर्न्स फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, ठीक है। तो हमने क्या रीजन डाला होगा, एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, K2Cr2O7 का कलर होता है ना ऑरेंज टू ग्रीन, तो आपने डाला होगा इसमें एक्वस एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट 6। फॉर्मुला भी लिख सकते हो, नाम भी लिख सकते हो पूरा। सिल्वर मिरर कब आता है, जब आप इसमें टॉलिन रिएजेंट डालते हो। सॉरी, आई डिडंट राइट एसिडिफाइज, विल यू डिटेक्ट मोर? यस, यू हैव टू राइट एसिडिफाइड KMnO4b और K2Cr2O7 जब भी यूज करते हैं तो एसिडिफाइड यूज करते हैं।
ठीक है, और टॉलेंस रीजन में जो रिएक्टेंट होते हैं वो एक्वा सिल्वर नाइट्रेट होता है विद अमोनिया, ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप। और अगर एल्डिहाइड में ब्रोमीन डालोगे तो क्या होगा? ब्रोमीन का तो कोई रिएक्शन नहीं है ना, एक्वस ब्रोमीन तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए होता है, जो बी बना है इसमें डबल बॉन्ड तो कोई नहीं है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें कोई रिएक्शन ही नहीं है, दिस इज नो चेंज, नो ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट कह रहा है C4H8O इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट, कंप्लीट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन यूजिंग O to represent an atom of oxygen from the oxidizing agent. B जो है वो aldehyde है, oxidize करवा के कह रहा है equation लिखो। अब हमें पता है aldehyde oxidize होते हैं to form carboxylic acid. अब ये जो aldehyde है हमारा C4H B जो था वो ये बनाया हुआ था ना उसने। अभी जब oxidize होगा तो ये butanol हमारा butanoic acid बना लेगा, तो इसमें number of carbon atoms तो वही रहेंगे लेकिन oxygen बढ़ जाता है ना बस एक, और hydrogen भी उतने ही रहते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम O से लिखेंगे और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे C4H8O2। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में अगर हम इसको ऑक्सीडाइज कराते हैं तो बस एक ऑक्सीजन बढ़ता है और कोई चेंज नहीं आता है इसमें। और एक ऑक्सीजन बढ़ा है तो ऑक्सीजन के जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के मोल है वो बन ही रहेगा। सर अगर एल्डिहाइड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडाइज होता तो तब भी O2 ही मतलब ऑक्सीजन के साथ ही आगे लगता? नहीं देखो कार्बोक्सिलिक एसिड तो ऑक्सीडाइज होता नहीं है, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन जब अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है ना जैसे ये प्रोपेनॉल है, इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। आप डिपेंड करता है कि आपने एल्डिहाइड हीट अंडर रिफ्लक्स किया या नहीं किया, लेकिन जब ये करोगे तो इसमें देखो दो ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं तो O के साथ 2 लगाना पड़ेगा। आप क्या पूछ रहे हो जरा दोबारा से पूछो। आपने O2 मैंने तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है इक्वेशन में क्योंकि उसने एल्डिहाइड का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ था, उसने एल्डिहाइड मुझे इस तरह से तो लिख के नहीं दिया था ना, अगर वो इस तरह से लिख के देता तो फिर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखता उसका। ये पूछ रहे हो मावीन? यस सर। हाँ तो अगर उसने इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा हुआ था एल्डिहाइड का तो फिर मैं आगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखूंगा, लेकिन अगर उसने मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के दिया था तो मैंने वो जिस तरह से वो लिख रहा था तो वो फॉलो किया है बस, तो वो C4H8O2 लिख दिया मैंने, अदरवाइज स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखोगे तो COOH अलग करके लिखोगे। ठीक है मावीन यही पूछ रहे हो या कुछ और पूछ रहे हो? सर यही था। आगे कह रहा है C इज अ कायरल मॉलिक्यूल, कायरल सर्किल यानी कायरल सेंटर्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ सी, तो कायरल कार्बन क्या होता है या कायरल सेंटर क्या होता है? वो कार्बन जिसके 4 सिंगल बॉन्ड बने हुए और चारों बॉन्ड पे डिफरेंट चीज अटैच है, इसमें से सिर्फ एक ही कायरल आ रहा है ये वाला, बाकी सब पे तो दो दो हाइड्रोजन तो लगे हुए ही है एटलीस्ट, तो कायरल तो हो नहीं सकते। आगे बढ़े। When propene react with carbon monoxide and excess hydrogen and alkane and a mixture of alcohols are formed instead. Okay, the alcohols are isomers of each other. Suggest the molecular formula of an alkane and the alcohol that are formed under these conditions. अब उसने conditions change की है और वो आपको कह रहा है कि आपका क्या कहते हैं alcohol बने और alkane बने। तो propene जो है वो 3 carbon atom वाला एल्कीन है, तो उससे वो ये पूछना चाह रहा है कि अल्कोहल और आपका एल्केन कौन सा बनेगा, मिक्सचर बन रहा है ना, जैसे वो दो तरह के एल्डिहाइड, देखो
अब आपने इक्वेशन बैलेंस करने के लिए बात नहीं करी जा रही है, जो क्वेश्चन ऊपर से चल रहा है इसमें प्रोपीन में तो 3 कार्बन एटम्स है ना, लेकिन जो एल्डिहाइड बन रहा है वो दोनों चार चार कार्बन एटम वाले अलग बन रहे, तो आप ये नहीं देखना कि भाई राइट साइड पे तो 8 कार्बन एटम्स हो गए, प्रोपीन में तो 3 ही थे। तो यहाँ पे बात ही कुछ और चल रही है कि वो अलग अलग तरह की वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बन रही है। तो वो कह रहे हैं कि अभी हमने जो रिएक्शन अभी हम करवा रहे हैं उससे प्रोपीन से एक एल्केन बन रहा है और एक एल्कोहल बन रहा है, तो मतलब 3 कार्बन एटम वाला एल्केन बनेगा और 3 कार्बन एटम वाला एल्कोहल बनेगा। लेकिन एल्कोहल बनाने के लिए आपको OH लगाना है और एल्केन बनाने के लिए आपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड खत्म करना है। देखो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है अगर ये ऐड होता है जाके तो वो कार्बन इंक्रीज कराएगा, और अगर हाइड्रोजन ऐड होता है जाके तो वो सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड खत्म करवाएगा। इधर दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। देखो हमारे पास प्रोपीन जो है उसका फॉर्मूला ये है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH2CH3। तो अगर इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट होगा तो एक कार्बन इंक्रीज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड से ही आएगा ना, तो जो एल्कोहल बनेगा फिर वो 3 कार्बन एटम वाला एल्कोहल नहीं बनेगा, वो 4 कार्बन एटम वाला एल्कोहल बनेगा, मतलब ब्यूटेनॉल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, ब्यूटेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H9OH। अब आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, देखो महावीर ऐसे भी लिख सकते हो उसको C4H10O, ठीक ही बात है। और एल्केन कौन सा बनेगा, एल्केन 3 कार्बन वाला ही बनेगा, क्योंकि इसमें फिर हाइड्रोजन गैस भी है, हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट करती है ना एल्कीन टू एल्कोहल, हाइड्रोजनेशन वाला रिएक्शन जो है, तो जो एल्केन बनेगा वो 3 कार्बन वाला ही बनेगा C3H8 प्रोपेन। क्लियर है, समझ आई ये बात? आगे बढ़े। पार्ट डी में कह रहा है द रिएक्शन ऑफ इथीन विद 1:1 मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज शोन इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन दिया हुआ है इथीन के साथ। अब इसमें देखो यहाँ भी इसने 2 कार्बन एटम वाला एल्कीन था, तो जो एल्कोहल बनाया वो 3 एल्डिहाइड, सॉरी एल्कोहल कह रहा है, क्या कह रहा है कुछ भी नहीं बताया, तो एल्डिहाइड बनाया बल्कि उसने 3 कार्बन एटम वाला। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोबाल्ट बेस्ड कैटलिस्ट इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ यूजिंग अ कैटलिस्ट ऑन दिस रिएक्शन। तो जनरल बात पूछ रहा है कि कैटलिस्ट डालने से क्या होता है, रेट ऑफ अ रिएक्शन बढ़ जाता है बिकॉज कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव पाथ विद अ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। लिख लोगे इसका आंसर? एस कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पाथवे विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। Sir, can you repeat C4H9OH? I don't understand that. C2H9OH, where? Sir, the alcohol. Sir, the alcohol. Aisha. क्वेश्चन पूछो आराम से, बिल्कुल क्या पूछ रहे हो, पूरा पूछो। सर पार्ट सी, पार्ट सी में हाउ दे हैव मेड अल्कोहल, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग? यस, दैट्स व्हाट आई एम कंफ्यूज्ड। ओके, अच्छा देखो पार्ट सी में
आउट ऑफ द ब्लू दे हैव गिवन अ स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल सी, और जिसका उन्होंने अच्छा सॉरी वो तो पार्ट फोर था, पार्ट सी में दे हैव स्टार्टेड द कंटेंट फ्रॉम हियर. द बेन प्रोपीन रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन एंड एल्केन एंड अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल्स ऑफ, मतलब एल्केन भी बन रहा है साथ में एंड मिक्सचर्स ऑफ अल्कोहल मींस डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल्स बन रहे होंगे. अल्कोहल्स आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. Suggests the molecular formula of the alkane and the alcohol that are formed under these conditions. देखो, we haven't studied any reaction where alkene have been reacted with carbon monoxide. ठीक है, neither with hydrogen gas के साथ तो पढ़ा है ना आपने कि hydrogenation होती है. If propene is reacting with hydrogen gas, it means hydrogenation is happening, alkane बन गया. Alcohol का जो नॉलेज अब वो कह रहे अल्कोहल बना है, और जो मैंने नॉलेज एक्सट्रैक्ट की वो इसी क्वेश्चन में, ऑब्वियसली इस क्वेश्चन की जो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ था उसमें क्वेश्चन थ्री में स्टार्ट में उसने हमें रिएक्शन दिया हुआ था, लेकिन उसने रिएक्शन में अल्कोहल तो नहीं बनाया हुआ, उसने तो एल्कीन अंडर गो एडिशन रिएक्शन विद 1:1 मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म एल्डिहाइड. ठीक है, लेकिन इस पार्ट में वो कह रहे हैं कि अल्कोहल बना है और एल्केन बना है, तो कोई रिएक्शन कंडीशन चेंज की होंगी, डिफरेंट रिएक्शन कंडीशंस पे हो रहा होगा, वो डिफरेंट रिएक्शन कंडीशंस पे हो रहा होगा, इसकी वजह से प्रोडक्ट डिफरेंट बन रहा है. प्रोपीन पे रिएक्ट करवाया ना, अब मुझे अल्कोहल ये कैसे पता चला कि जो अल्कोहल बन रहा है वो एक कार्बन एटम ज्यादा बनेगा. मैं तो प्रोपीन से कहूंगा प्रोपेनॉल बन जाए पहले, तो मैं सबसे पहले तो भाई आप ऐसे सोचोगे कि प्रोपीन से दो चीजें बननी है, मतलब प्रोपीन का जो तीन कार्बन है लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे भी तीन कार्बन है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वो रिएक्शन जो चल रहा है ऊपर से नीचे हमने देखा था कि प्रोपीन से पहले दो तरह के एल्डिहाइड बन रहे थे, मतलब एक ही प्रोपीन मॉलिक्यूल से दो डिफरेंट चीजें बन रही. तो आप इस तरह तो मत देखना कि प्रोपीन में लेफ्ट साइड पे थ्री कार्बन एटम थे तो राइट साइड पे टोटल कार्बन एटम सारे प्रोडक्ट के मिला के थ्री होंगे, ऐसा नहीं है. दूसरी बात, अल्कोहल में मुझे ये कैसे पता चला कि भाई प्रोपीन में तो भी है थ्री कार्बन एटम, तो अल्कोहल में प्रोपेनॉल बना दूं तो दैट मेक्स मोर सेंस. लेकिन ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है कहीं ना कहीं इसका कार्बन भी तो ऐड हो रहा है ना, एडिशन रिएक्शन है. ऊपर मुझे इंट्रोडक्शन से पता लग गया था क्वेश्चन के एडिशन है, मतलब सब कुछ ऐड होगा. अगर हाइड्रोजन ऐड होने की वजह से एल्केन बना है तो कुछ मॉलिक्यूल में कार्बन मोनोऑक्साइड साइड भी तो ऐड हो रहा होगा ना, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड हो रहा है तो ऑक्सीजन तो ऐड करवाएगा करवाएगा, साथ कार्बन भी तो ऐड करवाएगा ना कहीं ना कहीं, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम भी मुझे बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन अकेला नहीं आ रहा, साथ में कार्बन भी लेकर आ रहा है, और बाकी का जो हाइड्रोजन है वो फिर हाइड्रोजन गैस से आ जाएंगे. समझ आई बात? यस सर. अल्कोहल इसलिए हमने ब्यूटेनॉल सेलेक्ट किया. अब अगेन वेरी टफ क्वेश्चन यार, वेरी टफ क्वेश्चन, मेरी भी आगे खुल गई है. देखिए ठीक है, ये पेपर अभी पहली बार, मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ ये पेपर, 2023 से कल ही मेरा हाथ लगा है. ठीक है, तो वेरी टफ क्वेश्चन हैपेंस. ओके सर, थैंक यू. अच्छा जी, आगे कह रहा है एक्सप्लेन बाय द यील्ड ऑफ दिस प्रोपेनॉल इंक्रीजेस व्हेन द ओवरऑल प्रेशर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इंक्रीज. अब ये वाला पार्ट, इससे पहला वाला पार्ट आसान था. अब देखो यील्ड क्यों इंक्रीज होगी, प्रेशर अफेक्ट दी पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट? तो यू हैव टू चेक द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन. तो लेफ्ट हैंड साइड पे वी हैव 1 मोल ऑफ एथीन, 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, सारी की सारी गैसेस है ना, तो दे आर टोटल ऑफ 3 मोल्स ऑफ गैसेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड 1 मोल ऑफ गैस ऑन द राइट हैंड साइड. ये भी गैस है राइट साइड वाला एल्डिहाइड. तो इंक्रीजिंग द प्रेशर विल शिफ्ट द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड राइट हैंड साइड बिकॉज देयर आर मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ऑन द लेफ्ट. सही है? तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड एज fewer number of moles of gases on left. Sorry, not right, left.
लेफ्ट हैंड साइड एज फ्यूअर नंबर ऑफ मोल्स ऑन लेफ्ट साइड. आगे बढ़े. एनर्जेटिक भी डाल दिया. यूज द इंफॉर्मेशन इन टेबल 3.2. कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इन इक्वेशन 1. अच्छा जी, फॉर्मेशन डेटा दिया हुआ है. जब फॉर्मेशन डेटा दिया हुआ होता है तो हम शॉर्टकट क्या लगाते हैं, एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स. प्रोडक्ट में हमारे पास सिर्फ एल्डिहाइड है, उसका एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है 187 और वो 1 मोल है. और रिएक्टेंट साइड पे प्लस 52 C2H4 का दिया हुआ है. फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का माइनस 111 और फिर हाइड्रोजन गैस का एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन गिवन. हाइड्रोजन गैस तो है वही है ना, एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में अपनी, तो उसका फॉर्मेशन तो होगा नहीं. दैट इज इट. क्या रहा आंसर? माइनस 128 किलोजूल पर मोल. ठीक है. आगे बढ़े. रिएक्शन मिक्सचर इज कूल टू कलेक्ट एल्डिहाइड एज अ लिक्विड. आइडेंटिफाई ऑल टाइप्स ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ. ये जो एल्डिहाइड है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होती है क्योंकि हाइड्रोजन इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड विद ऑक्सीजन. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो सारे मॉलिक्यूल्स में होती है. उसके अलावा परमानेंट डायपोल्स होंगे ना इसमें, मतलब वैन डर वाल फोर्स या टेंपरेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, जिसको इंस्टेंटेनियस डायपोल या वैन डर वाल फोर्स भी कहते हैं. तो इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्सेस इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस और परमानेंट डायपोल फोर्सेस. हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी इसमें क्योंकि हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड नहीं है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तब होती है जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड हो. ठीक है, नाम इनके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, मार्किंग की देख के घबराना नहीं. वो लंदन फोर्सेस भी कहता है उसको, वैन डर वाल फोर्सेस भी कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल को. परमानेंट डायपोल के भी डिफरेंट नाम होते हैं, बस आप एक याद रखोगे. आगे बढ़े. लास्ट क्वेश्चन है ये, खुद कर सकते हो लास्ट क्वेश्चन. यार सर, बस सर थक गए. ये पेपर मुश्किल था. अरे तो पेपर ने घुमा दिया, मुझे भी घुमा दिया यार. सो कैन यू जस्ट लाइक एक्सप्लेन द थर्ड पार्ट. फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट. ओके चलो एक पढ़ लेते हैं, लिखते नहीं है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं. फिगर 4.1 साइन बस 5 मिनट में हो जाएगा. फिगर 4.1 शो सम रिएक्शंस ऑफ कंपाउंड डी टू ब्रोमोब्यूटेन. ठीक है भाई, रिएक्शन 1 में एलिमिनेशन हुई है और एलिमिनेशन कैसे करवाई होगी, एथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के. अच्छा, फिर एडिशन पॉलीमर बना है तो वो एडिशन रिएक्शन हो गया. आगे ई ऑनवर्ड्स सिल्वर नाइट्रेट इन इथेनॉल डाला है तो आपके पास इथेनॉल ने क्या करना है, OHI ने ब्रोमीन को हटा के पहले अल्कोहल बनाना है और यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड भी बन रहा होगा जो कि क्रीम पीपीटी दे रहा होगा. और जी में आपने इसमें पोटेशियम साइनाइड डाला है तो वो नाइट्राइल बन गया. ठीक है, और फिर नाइट्राइल की रिडक्शन करवाई तो वो अमाइन बन गया. अच्छा, नाइट्राइल की अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता था. अच्छा, फिर इसने इस एफ में जो अल्कोहल बना है, ये देखो इस जिस कार्बन के साथ OH लगा है उस कार्बन के साथ CH3 भी लगा हुआ है, तो ये पॉजिटिव ट्राईआयोडोमीथेन टेस्ट देगा जिसमें येलो पीपीटी बनेगा ट्राईआयोडोमीथेन का जिसमें CHI3 बनता है. और जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ये पार्ट टूट जाएगा, बाकी का
पार्ट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये कह रहा हूँ मैं, ये जो ट्राइहाइड्रोमीथेन टेस्ट है ना, जिसको आप लोग बहुत इग्नोर करके रखते हो, इसमें क्या होता है, जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है या एल्डिहाइड लगा हुआ है या कीटोन लगा हुआ है, तो क्या होगा, ये CH3 जो है वो टूट के निकलेगा, बाकी की जो पीछे चीज बचेगी ना वो कन्वर्ट हो जाएगी कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप। ये भी याद रखना, ये भूल जाते हैं अक्सर हम। अच्छा आगे कह रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेट द रीजन एंड कंडीशन यूज टू फॉर्म ई इन रिएक्शन वन। तो दैट इज इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक्वस में नहीं लेंगे बल्कि इथेनॉल में लेंगे, और एल्डिहाइड है तो हीट अंडर रिफ्लक्स लिख दो उसमें। Draw the structure of one repeat unit of the addition polymer that forms from E. अब ये आपका butuene है, तो जो addition polymer बनेगा, structure कहाँ है, skeletal बनाना चाहो skeletal बना दो, लेकिन अगर मैं इसका तरह structure बनाऊँ ना थोड़ा जल्दी बन जाएगा। ये है ना double bonded carbon पे आप कुछ नहीं लिखते हो, right और left पे ऊपर नीचे करके लिख देते हो। ऐसे दो monomer जब आपस में combine होंगे तो इनके बीच का जो डबल बॉन्ड है वो खत्म हो जाएगा ना, और ये दोनों जब आपस में ज्वाइन होंगे तो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड खत्म होगा और दोनों आपस में क्या करेंगे, एक एक बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ से कंटिन्यूटी बॉन्ड। उसने कहा था स्ट्रक्चर ऑफ वन रिपीट यूनिट। अब वन मैंने दो समझाने के लिए बना रहा हूँ, वन रिपीट यूनिट में आप सिर्फ एक ही मोनोमर बना दो, दैट वुड बी इनफ। CH3 ऊपर नीचे लिख दो या दोनों कार्बन पे ऊपर लिख दो, वो एक ही बात है। अच्छा E also forms when F is heated strongly in the presence of aluminium oxide catalyst। देखो aluminium oxide भी आपके पास elimination reaction ही करता है, ठीक है, dehydration भी कर रहा होता है। E also forms when F is heated strongly. अब F क्या दिया हुआ है उसने, देखो F alcohol दिया हुआ है और F से आपको E बनाना है, तो again this is also a elimination reaction जिसको हम dehydration भी कहते हैं, और ये dehydration हम दो तरीकों से कर सकते हैं, concentrated sulfuric acid as a dehydrating agent डाल के और aluminium oxide as a catalyst डाल के भी कर सकते हैं, सही है। तो अभी फिलहाल वो कह रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाला है, राइट एन इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब ई जो है हमारे पास वो देखो बटीन का ब्यूटेन टू ऑल है और उससे आपने ब्यूटुइन बनाया है, ब्यूटेन ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला जब लिखोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इट शुड बी C3H7COOH और इसमें आपने क्या डाला, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो कैटलिस्ट है ना, तो कैटलिस्ट तो रिएक्ट नहीं करता, वो तो एट द स्टार्ट एंड एट द एंड ऑफ अ रिएक्शन सेम रहता है। आपके पास प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, आपको प्रोडक्ट में मिल रहा है ब्यूटुइन व्हिच इज C4H8 और वाटर एलिमिनेट होगा ना, क्योंकि जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है वो OH और एडजेसेंट कार्बन का हाइड्रोजन निकल के वाटर बनाता है, दैट इज एलिमिनेशन। ये इक्वेशन लिखनी थी बस, बैलेंस्ड है इक्वेशन नहीं मैंने, अच्छा C3H गलत लिख दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं अल्कोहल है, C4H9OH सॉरी। स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना है इसका, तो CH3 सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, सेकंड कार्बन पे OH आएगा, ठीक है ना, और फिर अगेन CH2CH3 ऐसे भी लिख सकते हो उसको, और जो ब्यूटीन है वो कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन इट्स लाइक दिस, ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वेशन बैलेंस्ड है देख लो। सर कैन वी राइट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन द प्लेस ऑफ Al2O3? नो, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नो, क्योंकि दिया हुआ है ना इन द प्रेजेंस ऑफ, आप भी लिखना नहीं है, आपने इक्वेशन लिखनी है, बट यू कैन आल्सो यूज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इस क्वेश्चन में नहीं आप कर सकते हो, यहाँ पे तो बोला हुआ है ना Al2O3। चले आगे,
predict what is observed in reaction 2. Reaction 2 में आपने silver nitrate डाला था bromo alkane में, तो obviously silver bromide बनेगा जिसका precipitate जो होता है वो cream PPT होता है, ठीक है, cream या off white PPT. तो observation इसमें क्या लिखोगे? Cream PPT. Identify the yellow PPT of the organic आयन फॉर्म रिएक्शन थी. तो येलो पीपीटी ट्राई आयोडोमिथेन का है, CH3 जिसको हम कह रहे हैं. जब पर बात हुई ना हमारी, ठीक है, और जो आपका बाकी का पार्ट जो होता है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने कहा कि बन जाता है. ये ऊपर अगर ये वाला पार्ट देखो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा आपका प्रोपेनोइक एसिड. लेकिन क्योंकि आपके पास ट्राई आयोडोमिथेन टेस्ट एल्किलाइन सोल्यूशन में डालते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसमें, तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोपेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करके सोडियम प्रोपेनोएट बनाएगा. तो जो नेगेटिव आयन की वो बात कर रहे हैं ना ऑर्गेनिक आयन, वो प्रोपेनोएट आयन होगा बेसिकली. जो ऑर्गेनिक आयन है इट शुड बी प्रोपेनोएट आयन. इसका फॉर्मूला क्या होगा? CH3CH2COO-1. एंड स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स इन रिएक्शन 4. यहाँ तक क्लियर है ना? बढ़ता रहूं आगे, सी पे पहुंचना है मुझे जरा जल्दी. ये तो आसान क्वेश्चन है. रिएक्शन 4 में आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, जिसमें ब्रोमीन हटके साइनाइड आके लग गया, नाइट्राइल बन गया. अगर ये जल्दी हो रहा है ना तो एक बार बैठ के आराम से इसको देख लेना, बढ़िया बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें मुश्किल नहीं है. तो क्वेश्चन 3 था ना वो खतरनाक दिया है इसमें. पार्ट सी टू में कह रहे हैं रिएक्शन 5 इज सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ LiLH4 विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म अल्कोहल. रिडक्शन रिएक्शन है जो अमाइन बनाया है उसने, तो उसने नाइट्राइल को रिड्यूस करवा के अमाइन बनाया है. कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करवाते हो तो अल्कोहल बनता है. सजेस्ट द रोल ऑफ LiLH4. तो इट इज बीइंग यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. चले आगे आगे आगे. Part D is about IR spectroscopy. I hope this is the last one. Yes. Achha ji, figure 4.2 shows the infrared spectrum of compound D, E, F, G or H. Jo ke upar diye hain sare compound jinme D mein halogen alkane hai, E alkene hai aur F jo hai wo alcohol hai, G jo hai wo nitrile hai aur H jo hai wo amine hai. To inme se wo keh raha hai kisi ek ka IR spectrum diya hua hai hame. Use information in figure table 4.1 jo niche absorption value di hui hai. Identify which of the compound D, E, F, G or H produces the infrared spectrum of figure 4.2. देखो अल्कोहल होता तो ब्रॉड बनता, कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो ब्रॉड बनता, ब्रॉड तो नहीं है ये. 3000 पे जो एब्जॉर्प्शन की वैल्यू पीक आ रही है ये हमें आइडेंटिफाई करनी है, ये किस चीज की है. ठीक है, एक पीक 3000 पे आ रही है और एक पीक यहाँ पे भी आ रही है ना 2100-200 के ऊपर कुछ अराउंड, और एक यहाँ पे 1500 पे आ रही है. तो जरा ये पीक देख लेते हैं ना. 3000 वाली पीक हमें मिलती है एक तो कार्बोक्सिल की, कार्बोक्सिलिक एसिड तो कहीं था ही नहीं, सारे कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड है ही नहीं. एक मिल रही है अमाइन की, हाँ अमाइन तो एग्जिस्ट कर रहा है. अच्छा, एक मिल रही है हमारी पीक 2000 वाली, 2200 पे जो पीक है वो आपकी किस रेंज में आ जाएगी? नाइट्राइल की रेंज में आ जाएगी. सही है, तो कार्बोक्सिलिक वाली तो मैं कंपेयर कंसिडर करूंगा ही नहीं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो है. अमाइन के बारे में थोड़ी सी गड़बड़ है क्योंकि अच्छा अमाइन की जो पीक है वो देखो 3300 से स्टार्ट हो रही है, हमारी पीक एक आ रही है 3000 पे, तो वो अमाइन की भी नहीं हो सकती, तो ये भी हटा, तो नाइट्राइल ही बचा सिर्फ. आयशा इसी में फंसे हुए थे? Yeah, sir, because I said that the answer was H. Because it our peak is at 3000 na, amine ki jo range start ho rahi hai wo 3300 se start ho rahi hai, to hamari 2200 se 2250 wali hogi. Okay sir, theek hai, dekho exactly 3000 pe aur isliye wo amine ki to nahi hai, to ye 2200 pe bhi jo peak aa rahi hai, absorption jo aa rahi hai, absorption is at
2200 to 2250 पे, एंड दिस रिप्रेजेंट्स नाइट्राइड. एब्जॉर्प्शन लिखो और फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करो. लास्ट पार्ट इसका है, इन द मास स्पेक्ट्रम ऑफ डी द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ मॉलिक्यूलर आयन इज 3.4. ओके, मॉलिक्यूलर आयन पीक एम प्लस आयन पीक, द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ एम प्लस टू. अच्छा, एम से मॉलिक्यूलर आयन इज एम, एम से एम प्लस टू जाते हो मतलब हैलोजन की बात हो रही है, राइट? अच्छा, एक्सप्लेन योर आंसर. मास स्पेक्ट्रम डी गिवन था. अच्छा, मास स्पेक्ट्रम ऑफ डी था, सॉरी डी क्या था, डी दिया हुआ है ना, पर डी इज व्हाट द ब्रोमाइड हैलोजन ऑयल के. हां, ब्रोमीन, ठीक है. इसका वो आपसे अबंडेंस ऑफ एम प्लस टू आयन पीक फॉर डी, तो जो एम प्लस आयन की अबंडेंस होगी वही जो है वो एम प्लस टू की भी होगी, क्योंकि जो ब्रोमीन के दो आइसोटोप्स होते हैं वो इक्वल रेशियो में होते हैं, एज ब्रोमीन 79 एंड ब्रोमीन 81 आर इन इक्वल प्रोपोर्शन, या इनके बीच में जो रेशियो होता है आइसोटोपिक प्रोपोर्शन का वो 1:1 होता है, इक्वल प्रोपोर्शंस, या इनकी अबंडेंस इक्वल होती है ना, रिलेटिव अबंडेंस, मतलब 1:1 का रेशियो होता है. लेकिन अगर यही इसकी जगह क्लोरीन होता तो क्लोरीन के जो दो आइसोटोप होते हैं 35-37 वो 3:1 के रेशियो में होते हैं. तो अगर आपको मॉलिक्यूलर आयन पीक देता वो 3 पे, तो आप 37 वाली पीक डिवाइड बाय 3 कर देते तो वो उसकी अबंडेंस आ जाती. ठीक है जी, चलो भाई जा सकते हो अभी आप लोग. थैंक यू सो मच, लाफिस. मुश्किल पेपर था, एक बार देखना इसको ध्यान से. नेक्स्ट क्लास हम कल नहीं करेंगे, मंडे को करेंगे, तो मैं आपको स्केड्यूल शेयर कर दूंगा. लाफिस. सर एक बार आप क्वेश्चन 2 दिखा देंगे, वो मैंने एक चीज कॉपी करनी थी. कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 पार्ट डी देखना है.